छोटे से घर परिवार वाले सदस्य हैं, उन लोग से रील शूट कर लिया हूँ और ये मेरी काफ़ी मदद किए ना नीति, यहाँ पर देख रहे थे और शूट भी कर रहे थे। और ये मेरा बाबू है, भतीजा है, भतीजा ये भतीजी है, ये भतीजा, और ये भतीजा भतीजा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे कर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दशरथ और मैं आज आपको जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, तो आज स्पेशली मैं अपना रील्स कैसे बनाता हूँ इस चीज़ के बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में बन रहे हैं और देखते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, और मैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ और मैं अपना रील्स को कैसे शूट करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं मिलाता हूँ अपने सिस्टम से और अपने कैमरा से और अपना रिंग लाइट से, जो भी है सामान दोस्तों सारे से मिलाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो में और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आज आप लोग को अपना रील्स कैसे शूट करता हूँ, क्योंकि अभी दोस्तों गर्मी का समय है और बहुत ही तगड़ा धूप पड़ रहा है दोस्तों, और ऐसे में मैं स्पेशली कहीं भी इधर उधर जा नहीं सकता हूँ, और जा सकता हूँ तो भी मुझे लगता है कि शाम शाम को 3 बजे 4 बजे समथिंग निकलता हूँ और आप लोग के लिए ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज स्पेशली आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कैसे रील्स वगैरह बनाता हूँ और कैसे रील्स वीडियो शूट करता हूँ, तो वो सारी चीज़ को बताऊँगा दोस्तों। और मेरे हेल्प करने वाले कितने लोग हैं और क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो में देखते रहिए। और मैं सबसे शुरू में आप लोगों को मिलाना चाहूँगा दोस्तों, मेरे रूम में ये है एक मिरर जिसमें अपना चेहरा देखता हूँ, और जो भी कपड़ा लत्ता पहनना होता है उसको मैं पहन के अपने आप को उसमें देखता हूँ मिरर में। तो और मेरा रिंग लाइट दोस्तों ये है जिसमें अपना रील शूट करता हूँ अगर रूम में रहता हूँ तो। और मेरा ये है होल्डर, मोबाइल होल्डर, जिसके थ्रू मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग शूट करने में मुझे हेल्प मिलता है। और मेरा कैमरा वो दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये है मेरा कैमरा जो 80D है कैनन का, और मैं इसी से अपना रील शूट करता हूँ। और इसमें लगा हुआ है दोस्तों 100mm लेंस। तो और मैं इधर जो सिस्टम है ये सिस्टम से दोस्तों अपना रील्स को एडिट करता हूँ, क्योंकि मोबाइल में शूट करके एडिट कर सकता हूँ मैं, और बेसिकली मैं ज़्यादा देखा जाए तो सिस्टम में ही ज़्यादा करके देखता हूँ और आप लोग के लिए रील्स वीडियो वगैरह शेयर करता हूँ। और ये मेरा सीपीयू है, इधर मेरा लैपटॉप है, मेरा ड्रोन है, इधर मेरा बैग है, और मेरा मोबाइल है दोस्तों, एक एक मोबाइल यहाँ है और एक मोबाइल ड्रोन बैग में है, और एक दो मोबाइल है इधर उधर है, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। लगभग लगभग मेरे पास लगभग 5 मोबाइल होगा दोस्तों। ये है मेरा दूसरा मोबाइल नहीं, ये है मेरा, मेरे को लगता है चौथा मोबाइल, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, और इसमें भी एक मोबाइल है, आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। लगभग 5 मोबाइल मैं अपने पास कैरी करता हूँ। ये मोबाइल है, ये देखिए, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल और एक मोबाइल इसमें है, 5 मोबाइल मेरे पास है लगभग लगभग दोस्तों। ये है पांचवा मोबाइल, ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये समथिंग 5 मोबाइल मेरे पास रखा हुआ है। और मैं 5 मोबाइल मेरा चालू है मोबाइल दोस्तों, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कीबोर्ड है, ये मेरा माउस है, और मेरा गूगल एडसन जो आया हुआ था वो है, और इधर मेरा होम थिएटर है, और इधर ट्राईपॉड भी है। लेकिन मैं यहाँ पर कैमरा मेरा को ज़्यादा सेट नहीं रखा हूँ, बस अपना 80D को रखा हूँ, और मैं यहीं पर स्पेशली शूट करता हूँ बैठ के या फिर आउटडोर करना रहता है दोस्तों तो मैं आप लोग के लिए जाता हूँ बाहर, और बाहर में शूट करता हूँ और अंदर में आके एडिट करता हूँ। और मेरा ये जो सिस्टम है होम थिएटर, इसी सिस्टम में म्यूजिक वगैरह सुनता हूँ और अपने दिमाग में बैठाता हूँ कि कौन सा गाना है और कैसे गाना है, किस गाना को मैं अंजाम देने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोग को शूट करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं शूट करता हूँ और आप लोग के लिए रील्स बनाता हूँ। तो फिलहाल मेरा ये रूम तो मुझे लगता है कंजेक्टेड रूम है, क्योंकि मेरा रूम दूसरा जगह है, दूसरा रूम भी है। इस रूम में मैं अपना जो भी काम होता है दोस्तों उस काम को करता हूँ। और इधर मेरा जो बहुत ख़ास दोस्त था, अभी था ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चल गया है। तो फिलहाल
मेरे रूम में तो ऐसा कुछ सेटअप है दोस्तों, वहाँ पास मैं फ़ोटो लगा हूँ मेरे दोस्त का, और इधर मैं अपना कपड़ा लाता टांगता हूँ, और इधर मच्छर कॉइल के लिए ये है। मैं यही पर सो जाता हूँ दोस्तों अपने रूम में ही, क्योंकि काम करता हूँ देर रात में, तो वही सिचुएशन होता है और सो जाता हूँ। और मैं फ़िलहाल दोस्तों आप लोग के लिए स्पेशली जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए, रील्स वीडियो। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो, मार देखते रहिए। आज का दोस्तों जो ड्रेस है, ये टाई है और ये ड्रेस है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों, और मैं इसी में शूट करने वाला हूँ। और मुझे लगता है शाम थोड़ा जल्दी ही हो जा रहा है, लेकिन फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आप लोग के वीडियो शूट करता हूँ। तो फिलहाल ब्लर भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं ब्लर मोड में सेट कर रखा हूँ, और फिलहाल मैं कैमरा है इसको लेकर जाता हूँ बाहर। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो, मार देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मेरा ये है कैमरा, और स्पेशली वीडियो को अंजाम देने वाले नीति बेटू, जो ये है। हाय बोल दे नीति बेटू। हाय। कैसी है नीति? ठीक है। बहुत अच्छी है ना। आज मेरा वीडियो को दोस्तों स्पेशली हम लोग की नीति बेटू शूट करेगी ना नीति। हाँ। वीडियो को नीति शूट करेगी ना नीति। हाँ। रील्स वीडियो मजा आएगा ना नीति। हाँ। चलो नीति शूट करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग जो सेटअप है उसको सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं, और नीति को यहाँ मैं खड़ा करता हूँ फिलहाल, और मजा लेते हैं इस रील्स का। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो, मार देख रही है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले सेट कर रहा हूँ, और नीति को यहाँ पर देख रहा हूँ देखिए, क्योंकि पहले फोकस करूँगा उसके बाद ही मैं नीति के यहाँ पर भेजूँगा। तो पहले नीति को फोकस कर रहा हूँ, और देखते हैं कैसे होता है। हाँ नीति परफेक्ट दिख रही है दोस्तों, अच्छी लग रही नीति बेटू, स्मेल कर नीति, एक फ़ोटो हो जाए गजब, एक फ़ोटो हो जाए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी उधर जाता हूँ, और मैं अपना जो भी मोमेंटम है उसको करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और अभी मैं जो रील शूट करूँगा वो प्रोफेशनल गाना है दोस्तों, हिंदी गाना है, उसमें शूट करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। और ये गाना मेरे को लगता है मेरे मोबाइल में ही है, इसलिए मैं मोबाइल का यूज करूँगा, और मैं नीति को यहाँ पर शूट कराऊँगा ना नीति। तो यहाँ पास नीति शूट करने के लिए खड़ी हो जा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से नीति देखेगी, बैठो, और यहाँ पास से बटन दबाएगी एक, ठीक, मैं बता दूँगा। तो फिलहाल दोस्तों ये करने वाली है, अंजाम देने वाली है रील्स का। तो फिलहाल दोस्तों बन रही वीडियो में, देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं अपने छोटे से घर परिवार वाले सदस्य हैं उन लोग से रील्स शूट कर लिया हूँ, और ये मेरी काफ़ी मदद की है ना नीति, यहाँ पर देख रहे थे और शूट भी कर रहे थे। और ये मेरा बाबू है, ये भतीजा है, ये भतीजी है, ये भतीजा भतीजा, और ये भतीजा भतीजा। तो फिलहाल दोस्तों लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, तो फिलहाल मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को बंद करना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग सारा प्रोसीजर मेरा हो चुका है, और मैं रील शूट कर लिया हूँ। अब मैं जाऊँगा और एडिट करूँगा, लेकिन एडिट करने का प्रोसीजर है उसको मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं दोस्तों एडिट करता हूँ, और आप लोग के लिए एडिट करके रील्स को शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम में। तो फिलहाल दोस्तों बने रही वीडियो में, और अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोग को एडिट वाला वीडियो देखना है कि मैं वीडियो कैसे एडिट करता हूँ उसको देखना है, तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को उसका वीडियो भी दिखाऊंगा बहुत जल्द। फिलहाल दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।